जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में मून पर लगभग हर एक कंट्री पहुंचने का सपना देखती है और मून पर जाने को लेकर ही तुर्की भी अपनी ओर से प्लान तैयार कर रहा है, जहां पर वह चांद पर अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए मून मिशन को लॉन्च करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं तुर्की के द्वारा टेस्ट करे गए अपने रॉकेट इंजन के बारे में। तो तुर्की के स्पेस एजेंसी के द्वारा 12 अप्रैल को यह अनाउंस करा गया था कि उन्होंने अपने रॉकेट में यूज करे जाने वाले पहले हाइब्रिड इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट करा है। और तुर्की की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह बताया है कि टर्किश स्पेस एजेंसी के द्वारा अपने दो रॉकेट इंजन को टेस्ट करा गया था, जिनमें प्रोब रॉकेट सिस्टम और हाइब्रिड इंजन का फर्स्ट इग्निशन शामिल है। और ये जो दोनों ही टेस्ट थे वे पूरी तरह से सफल रहे थे, ऐसा टर्किश स्पेस एजेंसी के ऑफिशियल्स का कहना है। आपको बता दें कि तुर्की के द्वारा 2023 तक मून पर अपने अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग करवाने का शेड्यूल करा गया है, जो कि तुर्की के स्पेस प्रोग्राम को और भी ज्यादा एक्सटेंड करने की कैटेगरी में आता है। और जिन इंजन का टेस्ट तुर्की के द्वारा परफॉर्म करा गया था, उन इंजन को उसी रॉकेट में यूज करा जाएगा जो कि तुर्की के पहले मून मिशन के पेलोड को लॉन्च करेगा। और जो इन दो इंजन का टेस्ट कंडक्ट करा गया था, वह दोनों ही टेस्ट 50 सेकेंड के लिए थे और इन टेस्ट में इन इंजन ने अपने सभी पैरामीटर्स को सक्सेसफुली गेन करा था। आपको बता दें कि पहले तुर्की ने अपने लूनर मिशन को लॉन्च करने के लिए रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के साथ डिस्कशंस करे थे। फिर उसके बाद तुर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन है, उनके द्वारा स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क से भी अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन की बात करी गई थी। लेकिन फिलहाल इन सभी के बाद तुर्की के द्वारा अपने लूनर मिशन को खुद के ही रॉकेट से लॉन्च करने के लिए प्लान करा गया है। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि तुर्की की जो स्पेस एजेंसी है, उसको 2018 में ही एस्टेब्लिश करा गया था, जिसका जो नाम है वह टर्किश स्पेस एजेंसी है। बाकी आपका टर्किश लूनर प्रोग्राम की हार्ड लैंडिंग के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हिंदी स्पेस चैनल को ऐसे ही डेली इंटरनेशनल स्पेस अपडेट्स को हिंदी में देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।